हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्री वर्ल्ड चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस ट्रेडमिल के बारे में। ये हमारी ट्रेडमिल है, इन भाइयों ने ये खरीदी थी। तो दोस्तों, आज हम इसके अंदर का मैकेनिज्म देखेंगे। हम इसकी वायरिंग फिटिंग कर रहे थे, सोचा कि इसे खोल कर देखा जाए इसके अंदर क्या चीज़ है और कैसे मैकेनिज्म काम करता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें एक सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट करने के लिए VFD का यूज किया है। ये हमारा आप देख सकते हैं 1 किलोवाट का VFD है और ये हमारी थ्री फेज की मोटर है। और ये हमारा यहाँ पे जैक बनाया है इन्होंने, जो DC वाला है, जो कि आप सभी को पता है DC जैक कैसे काम करता है। इसके अंदर एक रोड होती है जिसके अंदर ये एक नट लगाता है, जैसे कि मोटर लेफ्ट राइट घूमेगी तो वो ऊपर नीचे जाएगी। दोस्तों, आप ये थ्री फेज की DC मोटर देख सकते हैं। अभी इसे हम आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे। हमने यहाँ से ट्रेडमिल को ऑन किया और स्टार्ट किया, यहाँ स्पीड आई है 2। अब यहाँ से स्पीड हम बढ़ाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ कैसे काम करती है ट्रेडमिल, तो आप भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने इन्होंने बेल्ट लगाई हुई है, यहाँ छोटे वाली पुली है, वहाँ बड़ी पुली है। और आप जैसे जैसे यहाँ ऊपर से स्पीड बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारी जो RPM है बढ़ते चले जाएंगे। तो ट्रेडमिल काम करने का यही तरीका है दोस्तों। ये भाई हमें बता रहे थे कि से कम 1.5 लाख रुपये की मशीन है। तो जो इसके अंदर मैकेनिज्म लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये VFD है 1 किलोवाट का 7000, 6000, 8000 तक का आता है। और ये हमारी थ्री फेज की मोटर है। ये जो थ्री फेज की मोटर है ये कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये की मोटर है। और आप ये देख सकती हैं जैक हमारा 2500-3000 तक का जैक आ जाता है दोस्तों। अगर आप घर पर ट्रेडमिल बनाना चाहते हैं तो ये घर पर भी बन जाएगी। और ये हमारा इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये रोलर घूम रहा है, ये हमारा लोहे का रोलर है, ठीक है। और दूसरा इसकी जो खास बात है, इसके अंदर का पैनल, ये पैनल से कंट्रोल होती है। तो दोस्तों, हमने यही आपको अपने चैनल पे दिखाना था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन, मैं जो भी नई वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।